हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हे सॉल्यूशन वीडियोस। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए आ रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल का आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि जो भी मैं नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो आज मैं आपको लेके चलने वाला हूं एक और नई वीडियो की तरफ। तो यहाँ पे ये जो हेयर हैं, हाथ जम करने वाले हैं इन पे ग्लोबल हाईलाइट्स। तो आप देख रहे हैं एकदम ब्लैक हेयर है इनके, जेट ब्लैक हेयर है। ऑलरेडी मैंने हाइलाइट्स किया था इनके एक साल पहले, तो आज मैं आपको स्पेशली दिखाने वाला हूँ। बिकॉज लाइट थोड़ी सी कम है तो प्लीज़ डोंट माइंड, हम आपको स्पेशली दिखाने वाले। पहले हमने हेयर वॉश किया, देन उसके बाद 100% ड्रायर करने वाले। ड्रायर करने के बाद हम हाइलाइट्स इसमें ऐड करेंगे, जिसको ग्लोबल हाइलाइट्स बोलते हैं, जिसको ओम्ब्रे शेड बोलते हैं, जिसको बालियाज शेड बोलते हैं, वो आज आपको करके दिखाने वाले हैं। तो आप सबसे पहले रेडी रहिए मेरे साथ ये वीडियो देखने के लिए, ये स्पेशली आपके लिए लेके आया हूँ। बहुत देर पहले मैंने ये शूट किया था, काफ़ी देर से मैं अपलोड नहीं कर पा रहा था, बिकॉज बिजी हूँ बहुत ज़्यादा, बैक टू बैक तो टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना। तो आज करने वाले हैं हम बालियाज हेयर कलर और ओम्ब्रे हेयर शेड। तो हम ले रहे हैं यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो है 40 वॉल्यूम वेला का। उसमें ऐड कर रहे हैं वेला फ्लेक्स, देखते रहिएगा, जो मैंने लिया है 6 ml, और साथ में उसके अंदर डालूंगा मैं ब्लोंडर यानी कि ब्लीच। तो आज हम ब्लीच ऐड करेंगे। सबसे पहले ब्लीच ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने ब्लोंडर और वेलाप्लेक्स और डेवलपर तीनों चीज़ ली है। वेलाप्लेक्स इसलिए लिया है ताकि बालों को ये जो ब्लोंडर है वो ड्राई ना करे। तो ये आप ध्यान रखना है, जब भी आप कलर करते हो प्लीज़ बाल ड्राई नहीं होने चाहिए, क्योंकि मुझे कलर डिपॉजिटिंग भी करना है बाद में। तो आपको दिखाऊंगा कौन सा कलर डिपॉजिट करने वाला हूं मैं। तो बाल हमारे ड्राई हो चुके हैं, हम एप्लीकेशन करना स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना। तो जैसे ही बाल हो जाते हैं, ये इनका नेचुरल पहले वाला कलर है जो एंड्स पे है, रूट्स पे एकदम ब्लैक हेयर है इनके, जो कि नेचुरल थे सबसे पहले, उन्हीं पे ही मुझे कलर एप्लीकेशन करना है। आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे इस तरह से मुझे एक स्लाइस लेना है, स्लाइस में से वीव निकालना है, ये वाला वीविंग निकालना है। वीव्स निकालने के बाद इसमें मुझे कलर अप्लाई करना है। तो बाकी के बाल मैंने एक साइड में छोड़ दिए, जैसे आप नीचे देख रहे हो मैंने कॉटन के ऊपर बाल रखे हैं जो मैंने हाईलाइट्स किए। और बैक कॉम ज़रूर करना है, बैक कॉम से क्या होगा, जितने भी एक्स्ट्रा छोटे हेयर्स हैं वो निकल जाएंगे। फिर मैंने हेयर्स को बोर्ड के ऊपर रखा, ये बोर्ड हाइलाइटिंग बोर्ड है जो आइकॉनिक ब्रांड में आता है, मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, तो आप भी खरीद सकते हैं। ये बॉम्बे में ज़्यादातर मिलता है, आई थिंक छोटे शहरों में अभी अवेलेबल नहीं है, मैंने ख़रीदा है मुंबई से ही। और इसको अच्छे से आप कलर जो है एप्लीकेशन करेंगे। मैं पूरे बालों में अच्छे से जो ब्लीच है वेलाप्लेक्स के साथ ऐड की हुई है 40 वॉल्यूम के साथ, उसको लगाऊंगा बालों में अच्छे से, रहना नहीं चाहिए। आप ध्यान रखें, कभी भी आप जब ये काम करते हैं तो प्लीज़ कहीं भी कलर जो है वो लगा हुआ रहना नहीं चाहिए। कि ये नहीं है कि आप बाल छोड़ दो, बाल छोड़ने नहीं चाहिए। तो मैं पतले पतले स्लाइस ले रहा हूँ, स्लाइस में से मैं बालों को वीव्स निकाल रहा हूँ। वीव्स निकालने के बाद मैं उसको बैक कॉम कर रहा हूँ। आप ध्यान से देखिएगा, मैं फिर से दिखा रहा हूँ। तो यहाँ से मैं रूट्स के पास वीव निकालता हूँ, ताकि एक अच्छे नीट एंड क्लीन वीव निकले, जिसको हम स्टिकिंग कहते हैं, स्टिक्स निकलें। ओके, तो मैं देख रहे हैं 50% हेयर ले रहा हूँ, 50% बाल छोड़ रहा हूँ हर एक वीव्स के अंदर, हर एक स्लाइस के अंदर, उस पर मैं कलर एप्लीकेशन कर रहा हूँ। एक्चुअली आपको ध्यान से देखना पड़ेगा हम कलर कैसे एप्लीकेशन कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप हर एक सेक्शन में मैं कलर लगा रहा हूँ, कोई भी बाल छोड़ नहीं रहा हूँ। तो 50% बालों में कलर लग रहा है, 50% बाल हम ऐसे ही छोड़ रहे हैं, और फिर भी ऐसा लगेगा जैसे आपने ग्लोबली कलर किया है, पूरे बालों में कलर एप्लीकेशन किया है। तो उसको ब्लेंडिंग बोलते हैं, मैं स्पेशली ये ब्लेंडिंग कर रहा हूँ हेयर के अंदर। और लेंथ पे अभी कलर हम एप्लीकेशन नहीं कर रहे हैं, बाद में लगाएंगे धीरे धीरे करके। और रूट्स के पास भी आप अप्लाई कर सकते हो, मतलब रूट से थोड़ा सा छोड़ के। लेंथ पे क्यों नहीं लगा रहा हूँ, बिकॉज लेंथ पे ऑलरेडी कलर है इनके, तो मुझे जो ब्लैक हेयर है उन पे ज़्यादा ध्यान देना है। मैं साइड पे आ चुका हूँ, बैक के हेयर्स पे ऑलरेडी मैंने फुल हेयर कलर लगा लिया है। तो साइड में भी उसी तरीके से आप बालों को कॉटन के साथ रैप करेंगे, ताकि बाकी के जो बाल हैं उन पे ये जो ब्लीच है वो ना लगे। ये कपड़ों पे लगेगी या बालों पे लगेगी, एक मिनट में कलर चेंज कर देगी। तो आपको बाल ध्यान से एक साइड में छोड़ देना है और बाकी बालों पे कलर लगा देना है।
यहाँ पे अच्छे से सारे बालों में कलर एप्लीकेशन करेंगे, आई मीन ब्लीच एप्लीकेशन करेंगे, और लेंथ पे मुझे किसी भी तरह का कोई भी ब्लीच नहीं लगाना है। तो जैसे ही ये लग जाएगा उसके बाद इसको हम कुछ टाइम के लिए प्रोसेसिंग रखेंगे, जो आधा घंटा होता है, एक घंटा होता है, डिपेंड करता है जो हमें डिज़ायर लिफ्टिंग चाहिए कलर की या ब्लीच की, प्री लाइटनिंग चाहिए, वहाँ तक हम प्री लाइट करेंगे, फिर इसमें जाके हम कलर डिपॉजिट करेंगे। तो यहाँ पे सेक्शन बाय सेक्शन में यही काम कर रहा हूँ, उसके बाद आप देखते रहिएगा, इनको लगा रहा हूँ, देन सेक्शन निकाल रहा हूँ। काफ़ी दिनों से बहुत बिजी चल रहा हूँ और मुझे पता है कि क्लास भी लेना है। अभी मैं स्टार्ट करने वाला था क्लास शोस्कॉफ का, थोड़ा सा बिजी होने की वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा है, सॉरी फॉर दैट। मैं सबको पहले इन्फॉर्म करूँगा, एक दिन पहले बताऊँगा कि हम कल क्लास स्टार्ट करने वाले, जो लाइव क्लासेस की बात करता था मैं, जो शोस्कॉफ की थ्योरी क्लासेस, वो जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ। तो आप लोग प्लीज़ रेडी रहिएगा मेरे साथ, आप लोगों को पढ़ाने के लिए ये सब इनिशिएटिव ले रहा हूँ मैं। ओके, यहाँ पे हमने कलर अप्लाई ऑलमोस्ट ब्लीच सब जगह पे अप्लाई कर दिया है। तो इनका टाइमिंग है, अभी टाइमिंग रखेंगे इसको आधा घंटा, एक घंटा, जैसा भी होगा। उसके बाद इसको हम रिंस आउट करेंगे, हम वेट कर रहे हैं रिंस आउट। इस दिन क्या हुआ है, एक्चुअली मैं जहाँ पे सलोन पे ये काम कर रहा था, मैं कहीं पे गया हुआ था, तो उस सलोन में लाइट भी नहीं थी, पानी भी नहीं था। तो आप देख सकते हो मतलब कितना ज़्यादा प्रॉब्लम आता है जब आपको ऐसा काम करना होता है। ये कलर मैंने लिया था 0 Stock 8, जो कि है स्पेशल मिक्स वेला का विद 20 वॉल्यूम, दोनों को मिक्स किया है। ओके, देन उसके बाद मैंने रिंस किया है, मैंने पानी के साथ, मुझे अच्छे से रिंस कर लेना, पानी ना होने की वजह से यू नो ऐसा भी करना पड़ता है समटाइम। तो मैंने सारे बालों में अच्छे से जो कलर था वो निकाल दिया, 0 Stock 8 को बालों में लगा दिया, ताकि जो थोड़ा सा टिंच है एक्स्ट्रा बालों में से वो निकल जाए। उसके बाद यहाँ पे अभी क्या करना है मुझे, मुझे ड्रायर कर लेना है। ड्रायर करने के बाद मैं इनको कर्ल्स भी करूँगा। आप बताइएगा लास्ट में ये रिज़ल्ट कैसा आने वाला है। अभी तक इसमें ब्लैक हेयर भी दिख रहे हैं, इसमें ब्लोंड भी दिख रहे हैं, रूट से लेके एंड्स तक फुल बालों में कलर किया है हमने। ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, अगर आप एक अच्छा ड्रायर कर लेते हो उसके बाद इसमें कर्ल्स डाल दो, हेयर सच में बहुत अच्छे डिफाइन होते हैं। कर्ल्स इसलिए डालते हैं ताकि आपका कलर जो है वो अच्छे से डिफाइन हो पाए, स्पेशली जब आप हेयर हाइलाइट्स करते हो तो कर्ल्स ज़रूर करो। ओके, तो आज का ऑलमोस्ट यहाँ पे ख़त्म होने आया है, अभी इसके बाद मैं क्लाइंट को कलर जो है वो दिखा दूंगा।